गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सेकेंड आर्टिकल ऑफ चैप्टर सिलेंडर इज राइट सर्कुलर सिलेंडर विद अ गिवन एक्सिस एंड अ गिवन रेडियस। लास्ट टाइम में जो हमने आर्टिकल डिस्कस करा था वो क्या करा था, अबाउट एक्सिस। जो एक्सिस थी वो क्या थी, जेड एक्सिस थी, एक्स एक्सिस थी एंड वाई एक्सिस थी। इसमें क्या है कि आपके पास कोई भी गिवन इक्वेशन होगी और गिवन रेडियस होगा, मतलब वो एक्सिस जेड वाई और एक्स की नहीं है, मतलब आपको कोई भी एक इक्वेशन गिवन होगी, तो उस केस में आपने क्या करना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन आपने बनानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस इज आर, रेडियस आपको गिवन है आर है, और जो इसकी एक्सिस है वो है एक्स माइनस अल्फा बाय एल, वाई माइनस बीटा बाय एम एंड जेड माइनस गामा बाय एन। क्लियर। एक चीज का आपने ध्यान देना यहाँ पे कि नीचे वाली जो यहाँ पे है ये डायरेक्शन कोसाइन्स होने चाहिए हमेशा। अब इस केस में आपको मेंशन नहीं है कि जो एल एम एन है वो डायरेक्शन कोसाइन्स है या रेशियोज है। क्लियर। अगर कभी भी आपको मेंशन नहीं है कि एल एम एन क्या है तो वो हमेशा आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन दे रहा है, तो इसमें आपको पहले डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने है, देन सेम फंडा जो आपने पीछे आर्टिकल वन पे अप्लाई करा है वही आपने सेम यहाँ पे अप्लाई करने है। वैसे आपने सिलेंडर बनाया, एक्सिस होगी, यहाँ पे रेडियस इतना क्या हमें गिवन है, आर गिवन है, और ये हमने कोई भी जनरेटर पे पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई जेड। द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस आर, जो भी आपको एक्सिस की इक्वेशन गिवन है आप उसको लिख लो। यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है, एल एम एन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। जब तक आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस नहीं आएंगे तब तक आप जो एक्सिस की इक्वेशन है इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। पहले आपने जो ये एक्सिस की इक्वेशन है इसको आपने चेंज करके सिंप्लीफाई करना है, देन बिल्कुल सेम एज इट इज जो हमने आर्टिकल पीछे अप्लाई करा है वही आपने सेम अप्लाई करना है। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज क्या है, एल एम एन, सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, एल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एल स्के प्लस एम स्के प्लस एन स्के। सिमिलरली ये हो जाएंगे, मतलब तीनों आपके पास क्या आ जाएंगे, ये डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। देन द इक्वेशन ऑफ एक्सिस आर, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा बाई डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू आपने चेंज कर देनी है, ये हो जाएगी हमारी एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी। सेम वैसे आपने क्या करा, पी एक्स वाई जेड कोई भी एक पॉइंट लिया सिलेंडर पे, देन बाय डेफिनेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर वो क्या कहती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा एक्सिस पे वो किसके इक्वल होता है, रेडियस पे। क्लियर। तो इस चीज पे आपने क्या लगाना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने आपको सिखाया था, आपने क्या करना है, जो भी एक्सिस की इक्वेशन आपने उसको लिख देना है और जो फर्स्ट वाला है उसको आपने रिपीट कर देना है। क्लियर। फिर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच पे लगाना है माइनस, इसको इसके साथ करना है देन होल स्क्वायर प्लस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में लगाना है माइनस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर लगाना है होल स्केयर प्लस, फिर इसको इसके साथ बीच में माइनस लगाना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके होल स्केयर लगा देना है, इक्वल्स टू रेडियस है, रेडियस इज आर। स्केयरिंग करना है तो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब सेकेंड आर्टिकल इसी का ही आर्टिकल है, बी पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस आपको गिवन है आर और आपको एक्सिस की जो इक्वेशन है वो भी गिवन है। अब इसने पर्टिकुलर मेंशन करा है कि जो एल एम एन है वो क्या है, एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस, मींस इसमें अब आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। सिंपल आपने ये वाला जो आर्टिकल करा है बस डायरेक्ट लगाना है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। नेक्स्ट आर्टिकल इज बेस कोनिक, बेस कोनिक सिलेंडर में क्या है, आर्टिकल थर्ड है ये हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन टू द सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन दिस। क्लियर। अब क्या करना है, हमने इक्वेशन ऑफ सिलेंडर निकालना है, ठीक है, कहता कि जो उसके जनरेटर्स है ना वो पैरेलल है इस लाइन के। क्लियर। तो अब आपको पता है कि जब भी पैरेलल की कंडीशन हो, पैरेलल की कंडीशन में हमेशा क्या होता है कि जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं वो भी इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। मतलब अगर आपने इक्वेशन ऑफ जनरेटर बनानी है तो आपको यही वाले डायरेक्शंस लेने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इन द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल बोथ द डायरेक्शन रेशियोज आर सेम एंड उसका बेस कोनिक दिया हुआ है कि बेस कोनिक ही है और प्लेन क्या है, जेड इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले आपने क्या करा, सिलेंडर की इक्वेशन बनाई, बेस कोनिक आपको दिया हुआ है, बेस कोनिक मींस गाइडिंग कर्व आपके पास ये रहा, ये इक्वेशन हो गया और इसमें प्लेन क्या है, जेड जीरो, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमारे पास ये रही। हमने क्या करा, जनरेटर्स निकालने हैं। क्लियर। जनरेटर पे आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, एक्स वन वाई वन जेड वन, इक्वेशन ऑफ कोनिक हमारे पास ये रही, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, जो भी हमारे पास गिवन लाइन है उसकी इक्वेशन लिख लो, एक्स बाय एल, वाई बाय एम, जेड बाय एन, इसको टू मार्क कर लो, इसको वन मार्क कर लो। हमने क्या करा, लेट एक्स वन वाई वन जेड वन बी एनी पॉइंट ऑन अ जनरेटर। हमने क्या करा, जनरेटर पे पॉइंट ले लिया एक्स वन वाई वन जेड वन, क्लियर, विच इज पैरेलल टू लाइन टू। अब ये वाला जो जनरेटर है ये पैरेलल है लाइन टू के। अब पॉइंट हमें पता है, ठीक है, हमें ये भी पता है कि इस लाइन के पैरेलल है, पॉइंट ये रहा,
अब पैरेलल कंसेप्ट में मैंने आपको बताया कि जो इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी वही जनरेटर की डायरेक्शन रेशियोज होंगी. सो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस पॉइंट क्या है एक्स वन, वाई माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड वन. पॉइंट आप पुट कर दो, नीचे क्या आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन. क्लियर. अब ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्या आ गई, जनरेटर आ गई. ये जो इक्वेशन ऑफ जनरेटर है ये अपने किस पे लाई कर रही है, इक्वेशन ऑफ जनरेटर है ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है ये किस पे लाई कर रही है, अपने बेस कोनिक पे लाई कर रही है ठीक है. अब ये वाला जो बेस कोनिक है इस पे क्या है, जेड जीरो है. क्लियर. तो जो आपके पास इक्वेशन आई है जनरेटर की, ये वाला जो प्लेन है जेड इज इक्वल टू जीरो, मतलब आपने क्या करना है इक्वेशन ऑफ जनरेटर जो आई है वहां पे जेड को आप पुट कर दो जीरो. जब आप जेड को जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कोई ना कोई पॉइंट आ जाएगा. जो भी पॉइंट आया है वो अपने किस पे लाई करेगा, कोनिक पे लाई करेगा. वो कंसेप्ट आपने अप्लाई करना है यहाँ पे. अब जो इक्वेशन ऑफ जनरेटर जो आपने निकाली है उस पे प्लेन क्या है, जेड इज इक्वल टू जीरो है. तो मतलब जहां पे जेड था वहां पे आप जीरो पुट कर दो. अब फर्स्ट और थर्ड मेंबर लो, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी. फिर सेकंड एंड थर्ड मेंबर लो, वहां से आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी. एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास, वाई की वैल्यू आ गई और जेड कितना है जीरो. मतलब ये वाला जो बेस कोनिक है यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉइंट आ गया एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई जेड हमने एनी पॉइंट निकाला है वो अपने कोनिक पे लाई करेगा ही करेगा, मतलब इस पे लाई करेगा. क्लियर, सेटिस्फाई करेगा इस चीज को. सो हमने एनी पॉइंट निकाला, जो ये पॉइंट है नाउ दिस पॉइंट लाइज ऑन कोनिक वन, इसको आप कोनिक वन पे लाई करवाओ. क्लियर. फिर आपने क्या करना है, लोकस निकालना है एक्स वाई जेड का, एक्स वन वाई वन जेड का. तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर. फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 2. अब हमें रेडियस कितना गिवन है, 2 गिवन है एंड द इक्वेशन इज दिस, इक्वेशन ऑफ एक्सेस गिवन है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. क्लियर. तो सबसे पहले आपने सिलेंडर बनाया, इसमें जो रेडियस है वो कितना गिवन है, 2 है. मैंने क्या करा, जनरेटर पे कोई भी पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई जेड और हमें एक्सेस कितनी गिवन है, एक्स माइनस वन बाई टू, वाई बाई थ्री एंड जेड माइनस थ्री बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही कंसेप्ट आपने देखना है कि ये वाले जो 2, 3, 2, 3, 1 है ये क्या गिवन है, हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डायरेक्शन को साइन फाइंड करना है, देन वैसे ही आपने राइट सर्कुलर सिलेंडर की डेफिनेशन लगा के वही कंसेप्ट आपने लगाना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस वाला. इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमारे पास ये रही, डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, 2, 3, 1. डायरेक्शन को साइन आप निकाल लो इसके, देन द इक्वेशन ऑफ एक्सिस बिकम्स वो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वन. इसकी पहली डायरेक्शन को साइन आपने यूज करनी है 2 बाय रूट 14, मतलब ये हो जाएगी 2 बाय रूट 14, 3 बाय रूट 14 एंड 1 बाय रूट 14. ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्सेस. फिर वैसे ही आपने सिलेंडर पे पॉइंट लिया, देन बाय डेफिनेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ये क्या कहती है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्सेस वन इज इक्वल टू रेडियस. अब हमें रेडियस इस केस में कितना गिवन है, 2. परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट लगाना है, अपने इक्वेशन ऑफ एक्सेस लिखनी है, जो फर्स्ट वाली है उसको रिपीट करना है, सेम वैसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर लगाना है यहाँ पे स्केयर रूट इक्वल्स टू रेडियस, रेडियस इज 2. ऑन स्केयरिंग बोथ साइड्स विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर. थैंक यू.